नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी में पौधारोपण करने पहुंचे, लेकिन इस पौधारोपण में खास बात ये रही कि एक की जगह दो पौधारोपण किए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के साथ कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया भी साथ में खड़े हुए थे। वहीं उन्होंने बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर कहा कि इंदौर, भोपाल, जबलपुर में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। 31 मार्च तक स्कूल और कॉलेज बंद रखने का भी फैसला लिया गया है। कांग्रेस द्वारा मनाए जा रहे लोकतंत्र सम्मान दिवस पर उन्होंने कहा कि खिसियानी, बिल्ली, खंबा, नौचे, इससे क्या फर्क पड़ता है। इसके साथ ही अचानक हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि से नुकसान सहित बिजली गिरने से हुई 7 लोगों की मौत पर कहा कि हम सभी को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। कोरोना बढ़ रहा है, इंदौर, भोपाल, जबलपुर बड़ी संख्या में संक्रमित आ रहे हैं भाई और बहन, और इसलिए हमें कुछ सख्त कदम भी उठाने होंगे। और इसलिए रविवार के दिन, संडे के दिन, शनिवार की रात को 10 बजे से लेकर सोमवार को सवेरे 6 बजे तक इन शहरों में लॉकडाउन रहेगा। बाकी जो प्रभावित शहर है उनमें रात को 10 बजे से लेकर सवेरे 6 बजे तक दुकानें बंद रहेगी। 31 मार्च तक स्कूल और कॉलेज फिर से बंद करने का फैसला किया है। बाकी चीजों पर भी हम नजर रखे हैं। अब अगर मास्क नहीं लगाएंगे, कल मैंने कहा है, मैं आज फिर दोहराना चाहता हूं कि अगर आप मास्क नहीं लगाते तो आप केवल अपने लिए खतरा पैदा नहीं कर रहे, आप अपने परिवार के लिए भी खतरा पैदा कर रहे, आप अपनों के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं जिनसे आप मिलते हैं जुलते हैं, आप समाज के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं। मेरी अपील है, कोरोना का वायरस तो है वो पूरी दुनिया में, और उससे बचने का सबसे प्रभावी उपाय मास्क है, और इसलिए मास्क लगाएं। मास्क नहीं लगाने पे जनता के हित में ही हमें सख्ती भी करनी पड़ेगी। और मैं फिर प्रदेश की जनता से अपील कर रहा हूं कि बिना जन सहयोग के कोरोना के संक्रमण को नहीं रोका जा सकता, आपका सहयोग चाहिए। हम पूरी क्षमता से इसको रोकने का प्रयास करेंगे। हॉस्पिटल्स की भी स्थिति की समीक्षा मैं फिर कर रहा हूं, बिस्तर और बाकी दिक्कतें ना आए इसका इंतजाम हम कर रहे हैं। वैक्सीनेशन का अभियान पूरी ताकत से हम चलाएंगे। परसों हमने लगभग 1,97,000 टीके लगाए, अब 2 लाख के पार ले जाएंगे और धीरे धीरे क्षमता 5 लाख तक बढ़ाएंगे। एक तरफ वैक्सीनेशन का अभियान पूरी ताकत से चलेगा, पूरी गति से, लेकिन दूसरी तरफ मास्क, डिस्टेंसिंग, बड़े आयोजन इन शहरों में तो होंगे ही नहीं, बिना अनुमति के भी नहीं होंगे। पर मैंने ये भी कहा कि मेले और भीड़ भाड़ वाले स्थान देखो, अब कोरोना को देखते हुए हमको उनको भी नियंत्रित करना पड़ेगा, जो जरूरी सारे कदम। प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने वाली और भ्रष्टाचार के नित्य नए रिकॉर्ड स्थापित करने वाली कमलनाथ सरकार को आगे अपदस्थ किया गया था, और बाद में फिर नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज आदरणीय हमने 2 पौधे लगाए, रोज 1 लगाते हैं, आज 2। एक पौधा है विकास का, मध्य प्रदेश की जनता के कल्याण का, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का, और दूसरा पौधा हमारे श्रद्धेय कपूरचंद पुलिस जी, जिन्होंने 7 मार्च 1956 को राजस्थान पत्रिका की नींव रखी। न केवल वो पत्रकार थे बल्कि चिंतक, लेखक, कवि,
समाज से बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनका पूरा जीवन संघर्ष के साथ साथ अपना संकल्प करके जो बीता, उनकी स्मृति में भी हमने एक पेड़ लगाया है और लगातार हम लोगों का प्रयास ये है मध्य प्रदेश को प्रगति और विकास के पथ पर तेजी से हम ले जाएं। आज सिंधिया जी यहाँ साथ हैं और हम लोगों ने पेड़ लगाया है, एक पेड़ नहीं संकल्प है, मध्य प्रदेश के चहुमुखी विकास का। मैं इतने कह सकता हूँ आज के दिन के परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, सीमा करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे जितनी क्षमता है हमें मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में। और जनता आप सब लोगों का एहसास हाँ जी साथ में है, इंतजार विमर्श के साथ करेंगे और विचार की प्रक्रिया तो लगातार जारी रहती ही है। आज हम लोग साथ कांग्रेस लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाने जा रही है, ओलावृष्टि हुई है, आपने भी निर्देशित किया है। अभी मैंने फिर बैठक लेके आया है, पूरे प्रदेश की मैंने समीक्षा की है यहाँ आने के पहले, सारे अधिकारी के साथ सबको निर्देश दिया है। हमला फील हो रहे हैं, जो क्षति होगी उसका आकलन कर रहे हैं। किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, दोनों निर्देश हमने दिए हैं, राहत ना क्षति हुई है वहां। और दूसरे फसल बीमा योजना के लिए भी एक्सपेरिमेंट करके उसकी तैयारी भी हम करेंगे। बिजली गिरने से 7 लोगों की जान पिछले दिन हो गई है, 4-4 लाख रुपये की राशि उनके परिजनों को हम दे रहे हैं। कहीं पशु हानि अगर हुई है तो उसमें भी हम राहत देंगे किसान के साथ साथ। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.